अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लुईस पास्टर। एक्चुअली ये नाम है लुईस और पास्टर, क्योंकि लुईस पास्टर एक फ्रेंच थे और पास्टर एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच नेम है। इट इज़ रिटन बाय मार्गरेट एवरी। मार्गरेट एवरी इसकी जो है ऑथरेस हैं, इन्होंने ये ऐसे लिखा है लुईस पास्टर। हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, साथ साथ हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे और एंड पे जितना हमने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम फर्स्ट 6 पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। पास्टर वॉज बॉर्न इन क्वाइट हम्बल सर्कमस्टांसेस। हम्बल, हम्बल मीन आम से, मामूली से, या पुअर या ऑर्डनरी। सर्कमस्टांसेस एट डोल इन जूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस इन 1822। 1822 में पास्टर डोल नाम की जगह पर फ्रांस की एक तहसील जूरा में पैदा हुए और उनके हालात बिल्कुल हम्बल से थे, यानी कि वो बिल्कुल आम घराने में पैदा हुए। व्हेन ही वाज 2 ईयर्स ओल्ड हिज फादर हिज फैमिली मूव्ड फ्रॉम डोल टू आबोई। आबोइस हम इसको लिखेंगे आबोइस, लेकिन चूँकि ये एक फ्रेंच वर्ड है इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन है आबुआ। इसकी प्रोनाउंसिएशन है आबुआ। उसके बाद जब वो 2 साल के हुए तो वो डोल को छोड़कर आबोइस, हम देखें मैं आपको आबोइस ही पढ़ाऊंगी ताकि आप इसके स्पेलिंग सही लिखें। आबोइस चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी स्कूलिंग शुरू की। वो कम्युनल कॉलेज में भेजे गए। कम्युनल कॉलेज सेंट टू कम्युनल कॉलेज। पहला जो स्कूल उन्होंने अटेंड किया उसका वो था कम्युनल कॉलेज। यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं किया। पहले पहले तो वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के स्केचेस बनाते रहते और फिशिंग करते रहते, लेकिन बाद में हाउएवर ही डायरेक्टली ग्रास्प्ड, लेकिन बहुत जल्द ही उनको समझ आ गई। ग्रास्प मीन, वैसे ग्रास्प का मतलब होता है ग्रिफ्ट में लेना, पकड़ना, लेकिन यहाँ पर है समझ आना। उनको जल्द ही ग्रास्प अंडरस्टूड समझ आ गई दैट हिज एजुकेशन वॉज अ ग्रेट ड्रेन, कि उनकी तालीम पर बहुत खर्च आ रहा है। ऑफ द फैमिली फंड्स, फैमिली के पास जितनी भी मनी है, जितने भी फंड्स है, उस पर वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं उनकी एजुकेशन पे। और इसके साथ ही जो पास्टर हैं, जैसे ही उन्होंने ये रियलाइज़ किया तो उन्होंने पैशन ऑफ वर्क डेवलप किया अपनी स्टडीज़ में। पैशन ऑफ वर्क यानी मेहनत करने के लिए एक जज्बा डेवलप किया और यही जज्बा तमाम ज़िंदगी उनके लिए, उनकी ज़िंदगी में प्रोमिनेंट रहा। उसके बाद बिसेंकन, उसके बाद पहले वो डोल में पैदा हुए, डोल से वो 2 साल की उम्र में आबोइस चले गए आबुआ, और उसके बाद आबुआ से वो बिजस चले गए। ये देखें इसको हम लिखते बिसेंकन हैं, लेकिन चूंकि ये फ्रेंच वर्ड है और उनकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है तो इसको वो बिजस पढ़ते हैं। आप बिसेंकन पढ़ सकते हैं ताकि कम अज़ कम आप राइटिंग में इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। तो बिसेंकन, उसके बाद तीसरी जगह जो वो गए वो कौन सी थी? बिसेंकन अ बिगर प्लेस, एक बड़ी जगह थी विद बेटर एजुकेशनल प्रोविज़न, और इसमें बेहतर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ थी। प्रोविज़न प्रोवाइड से है, इसका मतलब है मुहैया करना, सप्लाई करना, लेकिन यहाँ पे इसका एक दूसरा मीनिंग फैसिलिटी जो है वो ज़्यादा सूट कर रहा है। इसका मतलब होता है सहूलत देना, फैसिलिटेट करना। ये एक बड़ी जगह थी जिसमें एजुकेशन की बेटर प्रोविजंस, बेटर फैसिलिटीज़ मौजूद थी। द प्रोफेसर, यहाँ पर जो है, यहाँ से पास्टर ने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किस में किया? इन साइंस एंड आर्ट्स। हेयर पास्टर ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड आर्ट्स, और इसी कॉलेज में उन्हें जो है स्टाफ की एक पोस्ट दे दी गई। यहाँ पर पास्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए केमिस्ट्री में। और फिर क्या होता था? द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री यूज़ टू फील एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड का मतलब अनकम्फर्टेबल, शर्मिंदा, शर्मिंदा। तो उस वक्त प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे इस बिसेंकन के, यानी के बिजस के, विद अनआंसरेबल क्वेश्चन, क्योंकि पास्टर उनसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा करते थे जिनको वो आंसर नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो बहुत शर्मिंदगी महसूस किया करते थे। और फिर ही यूज़ टू से, और वो जो प्रोफेसर थे वो उनको ही यूज़ टू कीप पास्टर इन हिज प्लेस,
उनको अपनी औकात में पास्टर को रखा करते थे, ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाया करते थे। और उसके बाद उनको क्या जवाब देते थे जब उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होता था? ही यूज़ टू से, वो कहा करते थे, दैट क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ द स्कॉलर। क्वेश्चन तो स्कॉलर मीन्स स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स के टीचर पूछते हैं एंड नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसके बरक्स, इसके बरक्स टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। और वाइस वर्सा का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, द अदर वे राउंड, इनवर्सली, कन्वर्सली, यानी इसके बरक्स, वाइस वर्सा। वो कहते थे कि द क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड बाय द टीचर एंड नॉट वाइस वर्सा। ही यूज्ड, आगे है कि उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने ज्वाइन किया वो था द इकल। इकल, ये इकोल भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशन इकोल आप पढ़ लें इसको, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है इकल। ये भी पेरिस में है, बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूशन है इकल नॉर्मेल। इकल नॉर्मेल, इकल नॉर्मेल में उन्होंने एडमिशन लिया जब वो 20 साल के थे, और एडमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया जब उनका टेस्ट हुआ। 1842 था ये, जब उनका टेस्ट हुआ तो उनकी 14th पोजीशन आई, जिस पे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। अगले साल 1843 में दोबारा अप्लाई किया और उस वक्त फिर उनकी 4th पोजीशन आई, जिससे वो अपेरेंटली सेटिस्फाइड हो गए। अपेरेंटली मीन्स बज़ाहिर वो सेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने द ग्रेट इकोल इकल नॉर्मेल में एडमिशन लिया। यहाँ पर से उन्होंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, अपने फेवरेट सब्जेक्ट में। और वो उसके बाद जो है स्टार्सबर्ग यूनिवर्सिटी, स्टार्सबर्ग एकेडमी से मुराद कोई आम ट्यूशन एकेडमी नहीं है। ये देखें, ये नाम है स्टार्सबर्ग एकेडमी। एकेडमी से मुराद ट्यूशन वाली एकेडमी नहीं है जो हमारे यहाँ होती हैं, बल्कि यहाँ पर एकेडमी से मुराद यूनिवर्सिटी है। स्टार्सबर्ग यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने, जब वो 26 साल के हुए तो उन्होंने डेप्यूटी प्रोफेसर केमिस्ट्री के बन गए, और उस वक्त उनकी उम्र 26 ईयर थी। और 1846 में उन्होंने जो है एक स्टार्सबर्ग एकेडमी ज्वाइन की। यहाँ पर उनकी मुलाकात अपनी फ्यूचर वाइफ से हुई, जिनका नाम था मैरी लॉरेंट। मैरी लॉरेंट उनकी वाइफ का नाम था, और या ये रेक्टर ऑफ स्टार्सबर्ग एकेडमी, यानी स्टार्सबर्ग यूनिवर्सिटी के हेड, रेक्टर मींस हेड, स्टार्सबर्ग यूनिवर्सिटी के हेड की बेटी थी। 1850 में पास्टर ने मैरी लॉरेंट से शादी की। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आता है कि शादी वाले दिन पास्टर के साथ क्या हुआ, या शादी पास्टर की शादी का दिन कैसा था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पास्टर अपने रिसर्च वर्क में इतने बिजी थे कि वो अपनी शादी का दिन भूल गए, और उनकी शादी पे के दिन पे उनका इंतज़ार होता रहा होता रहा। बाद में जब पता चला कि पास्टर बिल्कुल भूल गए हैं, तो उनके फ्रेंड, उनका एक फ्रेंड था, वो जाके पास्टर को लेके आया कि भाई आ जाओ, आज तुम्हारी शादी है। लेकिन शादी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। मैरी लॉरेंट बहुत हेल्पफुल थी, और उन्होंने बहुत हेल्प की पास्टर में उनके रिसर्च वर्क में। अच्छा, अब हम उसके बाद जो है मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टरेट किया उन्होंने, पीएचडी की पास्टर ने, वो की जर्मनी से। फ्रांस के रहने वाले थे लेकिन जर्मनी से, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, BONN, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है लेकिन आप बॉन ही पढ़िए इसको। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से जो है वो उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली, जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस, और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री ली, और इस तरह से उन्होंने डॉक्टरेट किया। अब हम चलते हैं उनके फादर की तरफ कि जो अभी तक हमने पढ़ा कि डोल में वो गए, डोल में पैदा हुए, फिर वहाँ से वो आबोइस गए, आबोइस में उन्होंने कम्युनल कॉलेज में अपनी स्कूलिंग शुरू की, फिर वो बेसेंकन गए, यानी बिजस, जिसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बिजस गए, वहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया साइंस और आर्ट्स में, और उसके बाद उसी कॉलेज में स्टाफ की जॉब करने लगे, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। उसके बाद उन्होंने इकल नॉर्मेल नाम की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, और डेप्यूटी प्रोफेसर बन गए स्टार्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, डेप्यूटी प्रोफेसर बन गए। यहाँ पे उन्होंने अपनी फ्यूचर वाइफ से मिले और उनसे शादी की। अब जो फ्रांस है, दूसरी तरफ उसके हुक्मरान थे नेपोलियन। नेपोलियन बहुत मशहूर फिगर हैं,
और वो उनका जिक्र इस चैप्टर में आया है क्योंकि नेपोलियन की फ़ौज में सोल्जर थे पास्टर के फादर, और नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के बहुत बड़े सिपा सलार थे और इतने बड़ी फ़ौज और ताकतवर फ़ौज उन्होंने तैयार की कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पूरे यूरोप पर हमला करेंगे और पूरे यूरोप पर कब्ज़ा भी करेंगे। इसलिए अगरचे वो इसमें नाकाम हो गए लेकिन नेपोलियन जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिपा सलार थे जिनकी फ़ौज में पास्टर के फादर सोल्जर थे। ये देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हम, हिज फादर हैड बीन वन ऑफ नेपोलियंस कंस्क्रिप्ट। क्या वर्ड है ये? कंस्क्रिप्ट। कंस्क्रिप्ट का मतलब होता है रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट, भर्ती। नेपोलियन की फ़ौज की एक भर्ती थे उसके फादर भी, एंड ही हैड वन द क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, और उन्होंने एक टाइटल एक तमगा इम्तियाज भी जीता था अपनी फ़ौज में, उसका नाम था क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर उन्होंने जीती थी फॉर वैलर। वैलर क्या होता है? बहादुरी, अपनी बहादुरी और फिडेलिटी। ये क्या वर्ड है? वैलर, बहादुरी, ब्रेवरी, फिडेलिटी, लॉयल्टी, वफादारी। तो अपनी वफादारी और बहादुरी की वजह से उनके फादर ने क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नाम का एजाज़ हासिल किया नेपोलियन की फ़ौज में या फ्रांस की फ़ौज में। द सन वॉज फॉर्चुनेट इन पोजेसिंग फोर बियर्स। इसमें हमने ये फोर, ये वाला फोर नहीं कहना, फोर नहीं कहना, फो कहना सिर्फ, एफ ओ फोर, फोर बियर्स। फोर बियर्स अपने अबाव अजदाद, एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, फोर फादर्स अपने अबाव अजदाद की जो क्वालिटीज़ थी उनका किरदार, करेक्टर और उनकी स्ट्रेंथ जो थी, ये इस पास्टर में भी वो काफ़ी लकी थे कि ये करेक्टर और ये स्ट्रेंथ उनमें मौजूद थी अपने अबाव अजदाद की। देर इज़ मच एविडेंस, एविडेंस मीन प्रूफ, सबूत ऑफ द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन असर, इफ़ेक्ट ऑफ द फादर ऑन द सन। और इस बात का बहुत सबूत है कि पास्टर के फादर का बहुत असर था पास्टर के ऊपर। और आगे हम जो पैराग्राफ शुरू करेंगे उसमें से हमें पास्टर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, पैट्रियटिज्म, कि पास्टर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म को पैट्रियटिज्म भी बोल देते हैं, पैट्रियटिज्म भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है लव फॉर द कंट्री, हुबुल वतनी। पास्टर में बहुत ज़्यादा हुबुल वतनी थी, अपने वतन से वो बहुत मोहब्बत करते थे। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपसे क्वेश्चंस में मांगी जाती हैं, तो अब आपने वो भी साथ साथ नोट करते रहना है, साथ साथ अपनी रीडिंग को भी कंटिन्यू करना है और सिनोनिम्स भी देखते जाने। पास्टर वॉज मोर ऑफ द पैट्रियट देन ऑफ द साइंटिस्ट। पास्टर जो थे पैट्रियट मीन लवर ऑफ द कंट्री। पास्टर ज़्यादा बड़े अब मुहिब्बे वतन ज़्यादा, साइंटिस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन उससे भी बड़े पास्टर मुहिब्बे वतन थे, पैट्रियट थे। इन 1848 में व्हेन यूरोप वाज पॉलिटिकली अपहीव्ड, अपहीव्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है हालात बिगड़ना, डिस्टर्ब होना। अपहीव के दो मीनिंग हैं, ज़्यादातर अपलिफ्ट के मीनिंग में आता है, ऊपर उठना, उठना, बुलंद होना, लेकिन यहाँ पर जो है बुलंद होने के मीनिंग में कतन नहीं है, यहाँ पर है हालात बिगड़ना, कॉज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस। बहुत ज़्यादा हालात 1948 में यूरोप के सियासी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं आपस में बरसरे पेकार हो गए, उनमें लड़ाइयाँ होने लगी, उनमें जंगें होने लगी, उनमें क्लैशेस होने लगे उस वक्त। और जो और फ्रांस जो है वो जंग के दहाने पर आ पहुँचा, उस वक्त क्या हुआ? पास्टर एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड का मतलब है सोल्जर, कि पास्टर ने अपने आप को सोल्जर के तौर पर एनरोल करवाया, एनरोल मीन भर्ती करवाया। और वन डे इन द पैलेस ड्यू पैंथन, ये एक पैलेस है जहाँ से अचानक एक दिन पास्टर गुजरे। अ सॉर्ट ऑफ ऑल्टर, ये एक किस्म का स्लॉटर हाउस है, कुर्बान गाह है, ऑल्टर है, ऑल्टर मीन स्लॉटर हाउस, कुर्बान गाह है। लेबल्ड ऑटल डी ला पैट्री, वैसे पता नहीं इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, मैंने चेक नहीं की, लेकिन वो इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो ऑटल डी ला पैट्री, और इसका मतलब ये है कि अपने प्यारे वतन के लिए कुछ दो, डोनेट समथिंग फॉर योर बिलवड कंट्री। तो पास्टर ने जब ये लेबल पढ़ा तो प्रॉम्प्टली, ये वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉम्प्टली यूजली पढ़ी जाती है, ये प्रॉम्प्टली है, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली, फौरन, फौरन। जैसे ही उन्होंने ये लेबल पढ़ा कि अपने प्यारे वतन के लिए कुछ दो, तो
promptly, foreign he, quickly placed all his worldly wealth 150 francs. Francs जो है फ्रांस की करेंसी है. उस वक्त उनके पास टोटल दौलत जो थी 150 फ्रांक्स थी. वो सारी की सारी दौलत उन्होंने वहाँ पर अपने मुल्क के लिए डोनेट कर दी. आप कर सकते हैं ऐसा कि जितने पैसे आपने जोड़े हुए हों अगर पाकिस्तान के लिए डोनेट करने की ज़रूरत पड़े तो क्या आप सारे पैसे डोनेट कर सकते हैं? लेकिन पास्तर इतने पैट्रियट थे, इतने लॉयल थे अपनी कंट्री के साथ, उनमें अपने मुल्क के साथ इतनी फिडेलिटी थी कि उन्होंने अपनी सारी दौलत सिर्फ़ एक लेबल पढ़ के अपने मुल्क के ऊपर निछावर कर दी. ये दूसरी एग्जांपल है पास्तर के पैट्रियट होने की. पहला ये कि 1948 में उन्होंने अपने आप को नेशनल गार्ड के तौर पर एनरोल कराया, यानी सोल्जर बन गए जब फ्रांस की जंग होने लगी. और दूसरी दफ़ा फिर जब उन्होंने अपनी सारी दौलत 150 फ्रांस फ्रांस के लिए डोनेट किए. और तीसरी तो सबसे अहम बात है कि इन 1870, ये बड़ा 1870 बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है, इसमें बहुत कुछ पास्तर की लाइफ में हुआ. इन 1870 ही वांटेड टू एनरोल हिमसेल्फ अगेन इन नेशनल गार्ड. 1870 में फ्रेंको जर्मन वॉर होने लगी थी, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग होने लगी थी, बल्कि हुई भी वो जंग 1870 में. ही वांटेड टू एनरोल हिमसेल्फ अगेन इन नेशनल गार्ड. दोबारा से जैसे ही ये जंग होने लगी 1870 में, तो पास्तर ने दोबारा अपने आप को सोल्जर के तौर पर एनरोल करने के लिए दरख्वास्त दी. बट ही वॉज एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि उनको रिजेक्ट कर दिया गया 1870 से दो साल पहले. 1868 में पास्तर को फालिज का हमला हुआ, पास्तर के जिस्म पे फालिज का हमला हुआ, जिससे उनका बायां हिस्सा जो है, लेफ़्ट साइड जो है, वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई थी. इसलिए 1870 में आर्मी ने उन्हें रिक्रूट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हाफ पैरालाइज्ड मैन इज़ नो वर्थ फॉर द आर्मी, कि आधा फालिज शुदा शख्स फौज के लिए किसी काम का नहीं. उसके बाद मैं आप यहाँ पर आपका कुछ पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है और मैं आपको अब पहले पैराग्राफ नंबर 10 करवाऊंगी, फिर पैराग्राफ नंबर 8 और 9 करवाऊंगी. और पैराग्राफ नंबर 7 मैं आपको इस लेक्चर में नहीं कराऊंगी, उसके लिए मैं अलग से आपका लेक्चर लूंगी, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे आपकी एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. तो अभी हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की तरफ. ये पैराग्राफ नंबर 10 पास्तर के पैट्रियाटिज़म से ही रिलेटेड है. Having offered himself as soldier, where no now he was refused. जब उसने अपने आप को ऑफ़र किया एक सोल्जर के तौर पर और उसको मना कर दिया गया. On the score mean बुनियाद, physical incapacity का मतलब नाअहली, inability, disability, disqualification, नाअहली, और उनकी जिस्मानी नाअहली की बिना पर उनको reject कर दिया गया. This unconquerable का मतलब जिसको फतह ना किया जा सके, नाकाबले तस्खीर, unbeatable, invincible ज़्यादा बेहतर वर्ड है इसके लिए, invincible, नाकाबले तस्खीर. ये नाकाबले तस्खीर शख्स turn to the sword of science, उसने sword of science उठा ली. sword जब उससे sword उससे छीन ली गई, मैदान जंग में, बैटल फील्ड में लड़ने वाली sword उससे छीन ली गई फ्रांस के लिए. जब वो लड़ना चाहता था तो उसके जो वो सॉर्ड थी बैटल फील्ड में लड़ने वाली, वो उसे छीन ली गई. तो उसने सॉर्ड ऑफ साइंस उठाकर फ्रांस के लिए बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ी. अच्छा, ये वर्ड जो है ना सॉर्ड, इसको भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. ये सारी ज़िंदगी से शायद आप पढ़ते आ रहे होंगे SWORD, लेकिन इसमें दो वर्ड जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं. ये W भी साइलेंट है और R भी साइलेंट है. तो हम इसको पढ़ेंगे SOD, सॉर्ड. Sword. This word is sword. Sword. O का साउंड लंबा होता है. Sword. ठीक है. This unconquerable man turned to the sword of science. इसने नाकाबले तस्खीर शख्स ने साइंस की तलवार उठा ली. And took up the study of brewing. इसको लिखते brewing है और पढ़ते brewing है. Brewing. Brewing का मतलब beer बनाना. बियर एक किस्म की शराब होती है जो यूरोप में बहुत ज़्यादा पी जाती है और उसको एक सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर ही तकरीबन किया जाता है. तो इसको ब्रूइंग कहते हैं. बियर बनाने को प्रोड्यूसिंग बियर. ब्रूइंग मींस प्रोड्यूसिंग बियर, शराब बनाना या बियर बनाना.
और इसने बियर बनाने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब बियर बनाने के ऊपर क्यों काम करना शुरू कर दिया? फ्रांस जो था वो उसमें अच्छी बियर नहीं बनती थी, जर्मनी से जैसे उसकी जंग हो रही थी वहाँ से वो बियर मंगवाते होते थे और जर्मनी में बहुत अच्छी बियर बनती थी। इनके पास कोई तरीका नहीं था अच्छी बियर बनाने का, और जर्मनी ना सिर्फ अच्छी बियर बनाता था बल्कि दूसरे मुल्क इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों को वो अपनी जो बियर है वो भिजवाता भी था, और इससे वो बहुत सारे पैसे कमाता था जर्मनी, और फ्रांस भी जो है वो बियर मंगवाने पर बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करता था। तो उसने ये फ्रांस को इस काबिल बना दिया कि वो ख़ुद अपनी बहुत अच्छी बियर बना सके ताकि उसे जर्मनी से ना मंगवानी पड़े, और इतनी अच्छी बियर बनाता था कि वो दूसरे मुल्कों को भी भिजवा सके। फ्रांस दूसरे मुल्कों को भी भिजवाने लगा और उसने बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी शुरू कर दी, और फिर उन मुल्कों को भी उसने वो बियर बनाने का फॉर्मूला भेज दिया जो पास्टर ने डिस्कवर किया था, जिनको जर्मनी भिजवा रहा था, ताकि उनके अपने मुल्क जो है वो अपना मुल्क इंग्लैंड में जर्मनी की तरफ से बियर जाती थी, इंग्लैंड के ब्रूअर्स को भी उसने अपना फॉर्मूला भेजा, अपने अच्छी बियर बनाने का तरीका भेजा, और उन्होंने वो बियर ख़ुद अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दी और जर्मनी से मंगवाना बंद कर दी। इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जर्मनी से जंग का बदला लिया। ही इम्पार्टेड भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है, इसका मतलब है पहुँचाना या देना, पास्ड ऑन या गेव। उसने ये हिज डिस्कवरीज अपनी जो बियर अच्छी बियर बनाने की डिस्कवरीज थी दरियाफ्तें थी वो उसने दी टू द इंग्लिश ब्रूअर्स को भी, अंग्रेज़ शराब बनाने वालों को भी, बियर बनाने वालों को भी अपनी डिस्कवरीज पहुँचाई, एज़ वेल एज़ टू फ्रेंच, और फ्रेंच ब्रूअर्स को भी दी और इंग्लिश ब्रूअर्स को भी दी। और अब उसने इंग्लिश ब्रूअर्स को क्यों दी, ये बात उसकी इस जुमले से पता चलती है कि उसने इंग्लिश ब्रूअर्स को क्यों अपना फॉर्मूला दिया। विद द रादर इल्यूमिनेटिंग रिमार्क, उसने एक रिमार्क दिया, एक जुमला का इल्यूमिनेटिंग के तीन मीनिंग्स होते हैं। पहला जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो होता है लाइट अप, रोशन करना। दूसरा है डेकोरेट करना, और तीसरा मीनिंग है कि इलस्ट्रेट करना, वजाहत करना, और यहाँ पर इसका तीसरा मीनिंग इलस्ट्रेट करना ही इस्तेमाल होगा। उसने ये वजाहत की ये जुमला कहकर क्योंकि मैंने इंग्लैंड को फ्रांस के ब्रूअर्स के साथ साथ इंग्लैंड के ब्रूअर्स को क्यों अपना जो है वो डिस्कवरी भेजी, वी मस्ट मेक सम फ्रेंड्स फॉर आवर बिलवड फ्रांस, हमें अपने प्यारे फ्रांस के लिए कुछ अच्छे दोस्त जीतने होंगे, इसीलिए मैंने इंग्लैंड से अपना फॉर्मूला शेयर किया। 1876 आ गया, 1876 में इंग्लैंड में एक किताब शाया हुई जिसका नाम था एट्यूड ला बियर, एक बुक शाया हुई जिसका नाम था एट्यूड ला बियर 1876 में। इसमें पास्टर की बियर अच्छी ब्रूइंग की, अच्छी बियर बनाने की जो सारी डिस्कवरी थी उसको पूरी डिटेल से लिखा गया, और ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में इंग्लैंड में बहुत अहमियत की हामिल है ये किताब, और इसको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। और अब हम जा रहे हैं अपने पैराग्राफ नंबर, हाँ, हक्सले, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रिमार्क है इसमें, हक्सले का एक कॉमेंट है जो कि इस पैराग्राफ में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है हक्सले वंस सेड पासेस वर्क ऑन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार आएगा, और इसको मैं अपने एक और जिसमें लेक्चर अगले लेक्चर में मैं अच्छी तरह डिस्कस भी करूँगी आपसे, जब मैं लिस्टर को डिस्कस करूँगी आपसे। फर्मेंटेशन पे बियर बनाना जो है एक्चुअली एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, यानी जाग लगाना, खमीर लगाना, जामन लगाना, जैसे आप दही का थोड़ा सा जाग दूध को लगा देते हैं, इसी तरह थोड़ा सा जाग जो है, थोड़ा सा खमीर, इसको एक्चुअली जाग नहीं कहते, खमीर कहते हैं, और इसका ये खमीर लगाना फर्मेंटेशन जो है वो प्रोसेस जो है उसमें आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो चीज़ उसमें डाले तो उसमें एक ख़ास बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया के ज़रिए से एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना लेना, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे हम दही की थोड़ी सी मिकदार से हम फर्मेंटेशन करते हैं दूध की, और उससे हम एक दही बना लेते हैं, इसी तरह अंगूर का जूस लेके या हम सेब का जूस लेके उसमें फर्मेंटेशन करते हैं थोड़ी सी, उसमें हम बैक्टीरिया एक ख़ास किस्म का एंटर करते हैं तो वो बियर में और शराब में और वाइन में चेंज हो जाता है। तो इन बैक्टीरिया के ज़रिए से एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाना हम कहते हैं उसको फर्मेंटेशन, और उर्दू में हम कहते हैं खमीर लगाना, या हम देसी ज़ुबान में कहते हैं जाग लगाना। तो
ये जो फॉर्म जाहिर है कि पास्टर ने कोई दही तो नहीं लगाया था, उन्होंने तो बियर बनाने का फॉर्मूला ढूंढा था, तो बियर बनाने फर्मेंटेशन जो है हम उसको बियर बनाने के फॉर्मूला के लिहाज से ही देखेंगे। हक्सले कहते हैं कि जो बियर जो फर्मेंटेशन के ऊपर खमीर लगाने के ऊपर पास्टर ने काम किया, सेव फ्रांस मोर देन इनफ टू पे द इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब वैसे तो होता है हर्जाना या मुआवजा या तलाफी करना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है पेमेंट या फाइन, कि जितने पैसे फ्रांस के फ्रांको जर्मन वॉर पे लगे, फ्रांस और जर्मनी की जंग पे लगे, उससे ज़्यादा जो है वो क्या फ्रांस वॉज और फ्रांको जर्मन वॉर पे जितने फ्रांस के पैसे लगे, उतने पैसे जो हैं वो फर्मेंटेशन के ऊपर पास्टर के काम से फ्रांस को दोबारा से हासिल हो गए। अब हम जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ। ये एक और इंस्टेंस है पास्टर के पैट्रियाटिज़म की तरफ। पहले में उन्होंने 1848 में वो सोल्जर बने, दूसरे में उन्होंने 150 फ्रांक्स अपनी सारी दौलत फ़ौरन ही फ्रांस के ऊपर निछावर कर दी, तीसरे में उन्होंने 1817 में जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया एज ए सोल्जर रिक्रूट करने से, तो उन्होंने ब्रूइंग का एक बहुत अच्छा जो है फॉर्मूला डिस्कवर किया, एक मेथड डिस्कवर किया बहुत अच्छा ब्रूइंग करने का, जिससे जर्मनी को बहुत नुकसान पहुंचा और फ्रांस को बहुत फ़ायदा पहुंचा। और लास्ट जो चीज़ है वो हम डिस्कस करने लगे हैं पैराग्राफ नंबर 8 में। इन 1870 दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 8। इन 1870 फ्रांस एंड जर्मनी प्लंज्ड इनटू वॉर। प्लंज का वैसे तो लिटरल मीनिंग होता है छलांग लगाना, लेकिन यहाँ पर है इन्वॉल्व हो जाना। 1870 में फ्रांस और जर्मनी में जंग हो गई। पास्टर एवर हमेशा ही इंटेंसली शदीद एक्सीडिंगली बहुत ज़्यादा लवर ऑफ फ्रांस था। It was filled with sorrow and anxiety. Anxiety mean परेशानी, worry या concern. पास्टर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग पे, और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई। And with loathing, ये क्या वर्ड है? LOTHING, loathing. Loathing mean नफ़रत of Germany. और वो जर्मनी के ख़िलाफ़ नफ़रत से भर गए, hatred. ठीक है, और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी से अपनी PhD की, यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या डॉक्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री ली थी, वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन को वापस कर दी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन को एक लेटर लिखा कि मेरा नाम अपने शोबे से केमिस्ट्री की फैकल्टी से रिमूव कर दें, हटा दें। और उन्होंने जो लेटर लिखा उसके कुछ अल्फाज जो हैं आपका पैराग्राफ नंबर 9 है, लुईस पास्टर का पैराग्राफ नंबर 9 हम पढ़ने जा रहे हैं, जो ख़ुद पास्टर के लेटर के अल्फाज हैं जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन को अपनी डिग्री रिटर्न करने के सिलसिले में लिखा। टुडे द साइट ऑफ दिस पार्चमेंट, अब ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्चमेंट, इसमें आर साइलेंट होता है। पार्चमेंट का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जो हिस्ट्री की आप मूवीज़ देखते हैं बाबर की और अकबर आज़म की, उसमें वो ऐसे करके एक उनके पास एक रोल सा होता है, उस रोल को खोलते हैं और फिर वो बादशाह का फरमान सुनाते हैं और उसके बाद यूँ रोल को बंद कर देते हैं और दोबारा रोल सा बन जाता है। वो चमड़े का बना हुआ एक चीज़ थी जिसको वो पेपर की जगह इस्तेमाल करते थे, एक्चुअली उस चीज़ का नाम है पार्चमेंट। लेकिन अगर आप इसका सिनोनिम डिक्शनरी में ढूंढें तो तीन बड़े अच्छे सिनोनिम्स जो हैं जो बहुत रिलेटेड हैं वो आपको मिल जाते हैं। पार्चमेंट मीन डिप्लोमा, पार्चमेंट मीन डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज़, और पेपर भी इसका जो सिनोनिम है वो है। वो कहता है कि टुडे द साइट ऑफ दिस पार्चमेंट, आज इस डिग्री का नज़ारा इज ओडियस टू मी। ओडियस मीन बदसूरत, मुझे बहुत बदसूरत लग रहा है। क्यों बदसूरत लग रहा है? अपनी डिग्री का नज़ारा उन्हें क्यों बदसूरत लग रहा था? I am feeling offended. Offended means गुस्सा आना at seeing my name placed under the patronage. Patronage means सरपरस्ती, क्योंकि इस डिग्री में मेरा नाम एक ऐसे नाम की सरपरस्ती के नीचे लिखा है। इसमें इस डिग्री पे लिखा हुआ था सरपरस्त, और सरपरस्त के नीचे जो नाम लिखा हुआ था उसके नाम के नीचे पास्टर का नाम लिखा हुआ था, और पास्टर को उस सरपरस्त के नाम से बहुत मसला था। The name of doom, क्योंकि इस नाम की तो डूम मीन कंडेम्ड, इस नाम पे तो अब लानत हो चुकी है, ये नाम इतना बदकिस्मत हो चुका है। हैंस फॉरवर्ड, आज से अब से टू एग्जैक्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जैक्रेशन
क्योंकि इस पर हम लानत भेजेगी, माई कंट्री, मेरे मुल्क की तरफ से आज से इस पर लानत भेजी जाएगी। इस नाम की सरपरस्ती के नीचे अपना नाम देख के मुझे अपनी इस डिग्री ये डिग्री बहुत ही बदसूरत लग रही है और मुझे इस पर बहुत गु़स्सा आ रहा है, क्योंकि ये नाम है रेक्स गिलीलमस का। क्या नाम है? नाम था रेक्स गिलीलमस का। और ये रेक्स गिलीलमस कौन है? ये रेक्स गिलीलमस है एम्परर ऑफ जर्मनी। ये रेक्स गिलीलमोस असल में क्या नाम है? रेक्स गिलीलमोस। गिलीलमस इसलिए मैंने बोला क्योंकि एम यू एस को हम मस बोलते हैं, लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है रेक्स गिलीलमस। ये एम्परर ऑफ जर्मनी थे उस वक्त, और उनका नाम जाहिर है कि डिग्री पर मौजूद था, वो सरपरस्ते आला थे उस यूनिवर्सिटी के, और उनके नाम के नीचे पास्टर जिसको डिग्री अलॉट की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन की तरफ से, उनका नाम था। और पास्टर कहते हैं कि मुझे इस डिग्री पे आज बहुत गु़स्सा आ रहा है क्योंकि इसमें रेक्स गिलीलमोस के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, और इस शख्स पे तो आज से हम सारे फ्रांस वाले लानत भेजने वाले। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा क्योंकि इसमें इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच की स्वीटनेस भी शामिल रही। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑल्सो डू लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।